हाय फ्रेंड्स, कब्ज जो हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लोग इससे सफ़र करते हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे मिडल एज के हैं, चाहे ओल्ड एज के हैं। पर ओल्ड एज के लोगों में, 40 प्लस लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है। अब कब्ज को मैं आपको एक छोटी सी समरी में ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे ऑफकोर्स आप कब्ज से ठीक हो सकते हो। सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में बढ़ानी चाहिए, सैलड बढ़ाना चाहिए और खाना 32 बार यानी एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए, धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। अब हमें पीना क्या चाहिए, हमें पानी दिन में 10 से 12 ग्लास पीना चाहिए, पर खाने के एक घंटा पहले और एक घंटा बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। चाय और कॉफ़ी दोनों डायुरेटिक होते हैं, अगर हम पीते हैं तो इससे बार बार यूरिन आता है, तो एक तो इनकी क्वांटिटी लिमिटेड कर दो, मतलब दिन में एक या दो बार। दूसरे, अगर आप एक बार चाय पीते हो तो दो बार मिनिमम दो ग्लास पानी पियो, मतलब एक ग्लास चाय के बाद दो ग्लास पानी पी लेना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉयलेट ट्रेनिंग, कि टॉयलेट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 3 से 5 मिनट लगाना चाहिए। टॉयलेट में मोबाइल, मैगजीन, न्यूज़पेपर कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। टॉयलेट में स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आपको पूरा टॉयलेट का प्रेशर है तभी जाना चाहिए। एंड लास्ट, जो मैंने आपको पानी के बारे में बताया उसमें एक बात ध्यान रखिए कि सुबह उठ के मिनिमम 2 से 3 ग्लास यानी 600 ml पानी, ल्यूक वॉर्म वाटर जिसको आप आराम से पी सकते हैं, उसको सुबह उठते ही पीना चाहिए। अगर आप इन टिप्स को ध्यान रखो तो ऑफकोर्स आप अपनी कब्ज बिना किसी दवाई के ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।